ये हमने मार्किंग किया है, ये वन साइडेड गायनेकोमिस्ट है. ओके, सो मतलब कि अगर हम देखेंगे कि ये नॉर्मल है और ये जो है यहाँ पे साइज जो है बड़ा है, तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल एनेटमी होती है वो भी एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम चेस्ट जो अंदर की तरफ रहती है. ठीक है, तो ये नॉर्मल स्लोप रहता है जो हमारी मसल्स के और हमारी बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रहता है. ठीक है, तो इसमें हमें क्लियरली डिफरेंस पता चलता है कि ये जो नॉर्मल चेस्ट होती है, जैसे ये नॉर्मल है और ये जो है गायनेकोमास्टी, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल थोड़ी क्वांटिटी में फैट और थोड़ा सा टिश्यू रहता है, तो जो कि मेल चेस्ट की नॉर्मल अपीयरेंस बताता है. ठीक है, और ये साइड जो है एबनॉर्मल है, जिसमें कि फैट बढ़ा हुआ है और ग्लैंड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये साइज जो है राइट हैंड साइड ये वाला, ये बड़ा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड. तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंचर रोल करेंगे और पहले जो है चारों तरफ से फैट जो है लाइपोसक्शन से निकाल देंगे. ठीक है, उसके बाद इसी कट को थोड़ा बड़ा करके यहाँ से जो है ये चारों तरफ से ग्लैंड निकाल देंगे. तो ये इसका प्रोसीजर रहेगा जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये वन साइडेड है, मतलब यूनिलैटरल है. ठीक है, तो ये शुरू से ही आपको एक तरफ बड़ा दिखाई देता था क्या? नहीं, अभी लगने लगा है बड़ा. ओके, पहले दोनों साइड नॉर्मल लगते थे. ओके, फिर ये कैसे पता चला कि गायनेकोमास्ट बोलते हैं इसको? ये मैं वीडियो से देख रहा था यूट्यूब पे, तो क्या है मतलब सिम्टम. पहले क्या लगता था कि जैसे ऐसे ही नॉर्मल है चेस्ट पे? पहले क्या हुआ था, ये मेरा क्लेम की बोन में फ्रैक्चर हुआ था ढाई साल पहले, तो मैं सोच के चल रहा था कि इसके वजह से नीचे 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 आ रहा है. ओके ओके ओके, इसलिए नोटिस नहीं करता. इसलिए नोटिस नहीं कर रहा. और फिर जब बाद में पता चला कि इसको गायनेकोमास्ट हुआ, तो वहाँ पे किसी डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया था? मतलब ये जो मेरा पहले वाला ट्रीटमेंट हुआ था ना, उनको दिखाया था, तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है. उसके बाद मैंने थोड़ा ऑनलाइन इंक्वायरी किया. आपका नंबर, धीरे धीरे साइज जो है बढ़ता चला गया था. ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहेगा जिसमें हम वन साइडेड गायनेकोमास्ट वेजल लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल से करेंगे. ठीक है, तो दोनों का साइज जो है सिमेट्रिकल आएगा, साइज सेम जो है, हम दोनों का साइज और सिमेट्रिकल शेप देने का ट्राई करेंगे. ठीक है,